हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविलो कॉन्सेप्ट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमरिकल्स रिलेटेड विद टॉपिक कंपोजिट सेक्शन सो लेट्स बिगिन द क्लास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब दो बार्स इस तरीके से कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग कहते हैं कम्पोजिट सेक्शन या इसको कह सकते हैं हम पैरलर बार कनेक्शन तो देखो पहले वाला जो केस में मैं दिखा रहा हूँ इसमें जो दो बार कनेक्टेड है ये मटेरियल वन ये मटेरियल टू यानी दो डिफरेंट मटेरियल का बना है और इसका लेंथ सेम है तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इसके वजह से इसके चेंज कंप्रेशन uh, होगा और इसमें चेंज इन लेंथ आएगा तो इन दोनों केस में जो चेंज इन लेंथ आ रहा है जैसे डेल्टा एल वन जो तुम्हारा चेंज इन लेंथ इन बार वन है और चेंज इन लेंथ इन बार टू है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे और इक्वल लेंथ होने की वजह से इन दोनों में जो स्ट्रेन है वो भी इक्वल होगा दैट इज एप्सिल वन इज इक्वल टू एप्सलन टू लेकिन अगर हम इस केस टू को कंसिडर करते हैं तो इसमें देखो ये जो दो बार दिया हुआ है ये दोनों तो आपस में क्या है इक्वल लेंथ के हैं लेकिन ये जो मिडल वाला जो बार है इसका लेंथ एल टू है जो इन दोनों से डिफरेंट है जब इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो इस कंडीशन में तीनों बार में डिफॉर्मेशन यानी कि कंप्रेशन यानी चेंज इन लेंथ है वो तीनों में इक्वल आएगा we can डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू इज इक्वल टू डेल्टा एल थ्री लेकिन तीनों में कॉम्प्रेशन सेम तो आ रहा है लेकिन तीनों में स्ट्रेन जो है वो सेम नहीं होगा हाँ वन बार और थर्ड बार में सेम स्ट्रेन डेवलप होगा क्योंकि इनका लेंथ भी क्या है आपस में सेम है लेकिन सेकंड बार केस में सेकेंड uh, बार वाला केस को अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें स्ट्रेन इन दोनों के इक्वल नहीं होगा तो हम पहले ये वन बार और टू बार का केस को स्टडी करते हैं इज एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू है, है. यानी दोनों में डिफॉर्मेशन सेम है लेकिन स्ट्रेन सेम नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये दोनों तो सेम है लेकिन अगर हम लेंथ से डिवाइड करेंगे इसमें जो हमको स्ट्रेन ऑप्टेन होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि वन बार और सेकेंड बार का जो लेंथ है वो डिफरेंट है ओके okay? तो हम इसको स्ट्रेन के केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहां से स्ट्रेन इज इक्वल टू तुम्हारा चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ है तो चेंज इन लेंथ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा स्ट्रेन इन टू ओरिजिनल तो यहां से इस केस के लिए हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेन डेट इज डेवलप इन द बार वन इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार वन इज इक्वल टू स्ट्रेन डेट इज डेवलप इन द बार टू इंटू ओ ओरिजिनल ऑफ द बार तुम्हारा एक केस बन आया और हम जानते हैं कि स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं डेट इज स्ट्रेस डेवलप इन द बार अपॉन बार्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलासिसन इज इक्वल टू एप्सल टू के लिए हम क्या लिख सकते हैं डेट इज स्ट्रेन इन टू के लिए कैसे क्या, क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस डेवलप इन द बार टू अपॉन मॉडल ऑफ इलासिस बार टू इन टू एल टू तो यहां से हम स्ट्रेस डेवलप इन द बार वन और स्ट्रेस डेवलप इन द बार टू केस में कि हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं वो कैसे करेंगे दैट इज सिग्मा वन दैट इज स्ट्रेस डेवलप इन द बार वन इज इक्वल टू वी कैन राइट इट इन अपॉन ई टू इन एल टू अपॉन एल वन इन सिग्मा टू तो ये तुम्हारा एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया डिफरेंट लेंथ ऑफ द बार कनेक्टेड है पैरेलली उस केस में चलो अब हम न्यूमरिकल्स देखते हैं सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज़ सर्कुलर आरसीसी कॉलम ऑफ डायमीटर फिफ्टी एम एम डायमी बार्स ऑफ ट्वेंटी डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट एंड स्टील टेक ये मॉडलिटी ऑफ द स्टील टू पॉइंट स्क्वायर एंड द मॉडल इंटू ट्वेंटी स्क्र यह क्या है की तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉलम है इसका जो डायमीटर दिया है वो तुमको दिया है 250 फिफ्टी एम एम डेट इज डायमीटर तुमको दिया है 250 फिफ्टी mm. एम और इसमें सिक्स नंबर ऑफ बार्स एम्बेडेड हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड सिक्स नंबर ऑफ बार्स का जो डायमीटर दिया है तुमको 22 टू एम एम डायमीटर दिया है सबसे पहले हम गिवन डेटा से लिख लेते हैं गिवन डेटा डायमेटर ऑफ कॉलम टू फिफ्टी एम एम इट इज ऑलरेडी गिवन एंड नंबर ऑफ बार्स डेट इज एम्बेडेड इन दिस कॉलम नंबर ऑफ बार्स सिक्स दिया है डायमेटर ऑफ इच बार कितना है डेट इज फाइव बीस हम डिनोट कर लेते हैं ट्वेंटी टू एम एम ई एस यानी मॉडल्स ऑफ एसोसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू दी हुई हमको टू पॉइंट वन इन टेन टू डी फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड ईसी का वैल्यू हमको दिया है जीरो पॉइंट वन फोर इन टेन टू डी फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दीज आर द डेटाज विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन निकालना क्या है टू फाइंड स्ट्रेसेस डेवलप इन द कॉन्क्रीट एंड स्टील दट इज स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील कितना आएगा एंड द स्ट्रेस डेवलप इन द कॉन्क्रीट कितना आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं इज एरिया ऑफ स्टील दट इज इन बैडेड इन द कॉन्क्रीट कॉलम तो ये कैसे निकलेगा पाई बाय फोर इंटू डायमी ऑफ द बार का स्क्वायर और ये तो ये कितने नंबर हैं बार्स तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बार्स का जो है उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो इसको वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय फोर इंटू ट्वेंटी टू स्क्वायर इंटू सिक्स तो इसको कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आएगी टू टू एट जीरो निकालेंगे देखो यहां पर क्या है कि तुम्हारा ये कॉलम है कॉलम में कांक्रीट भी है और ये तुम्हारे नंबर ऑफ बार्स यहां पर इंबाइडेड है तो हम क्या करेंगे टोटल एरिया में से ये एरिया ऑफ स्टील को अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो मेरे एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट निकल जाएगा तो इसलिए मैं लिखूंगा कि एग्रीगेट एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्टील तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे पाई बाय फोर इन डायमीटर स्क्वायर कौन सा डायमीटर लेंगे यहाँ पे ये यह हम लेंगे जो कॉलम का तुम्हारा डायमीटर है टू फिफ्टी एमएम माइनस एरिया ऑफ द स्टील पाई बाय फोर डायमीटर कितना है टू फिफ्टी एमएम स्क्वायर माइनस एस एरिया ऑफ द स्टील जो मैं कैलकुलेट करके लाया था यहां पर लिख देंगे टू टू एट जीरो पॉइंट सेवन नाइन स्क्वायर इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी फोर सिक्स एट जीरो फाइव नाइन एमएम स्क्वायर तो यहां से हमने क्या किया दोनों एरिया को कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ द स्टील और एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट अब यहां पर ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा कॉलम है कॉलम का लेंथ क्या है गिवन नहीं है यानी कि तुम्हारा जो कंक्रीट का जो लेंथ है और ये तुम्हारा इंबेटेड स्टीस का जो लेंथ है दोनों का इक्वल है यानी सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसमें जो कॉम्प्रेशिव फोर्स लग रहा है क्योंकि कॉलम हमेशा कॉम्प्रेशन ही लोड लेता है तो इसमें जो कॉम्प्रेसिव लोड लगेगा लगने, लगने की वजह से इसमें जो कॉम्प्रेशन डेवलप होगा वो सेम होगा यानी कि कॉम्प्रेशन डेवलप इन द स्टील इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन डेवलप इन द कॉन्क्रीट विल बी सेम अब यहां पर लेंथ सेम होने की वजह से इनमें जो स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो भी सेम होगा तो वी कैन राइट इट लाइक दिस अब हम यहां से लिख सकते हैं स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील अपॉन मॉडल ऑफ फिलोस इज इक्वल टू स्ट्रेन डेवलप इन दॉरी स्ट्रेस डेवलप इन द कॉन्क्रीट अपॉन मॉडल ऑफ फिलोस्रीट यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा एस दट इज स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी इन टू सिग्मा सी यहां से इसके वैल्यू पूरे करेंगे मॉडल्स ऑफ फिलासफिटीज का तो सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस की जो वैल्यू है वो तुमको कितना गिवन है फाइव और इसी के पहले जीरो पॉइंट इंटू टेपर फाइव अपॉन जीरो से ये ये कर सॉल्व करने पर जो रिलेशन डेवलप होगा वो होगा तुम्हारा फिफ्टीन टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस डेवलप इन द कॉन्क्रीट तो ये तुम्हारा एक रिलेशन कर आया अब देखो एक और रिलेशन यहां पर है टोटल लोड जो कॉलम पे पड़ रहा है उसका सम पार्ट किससे शेयर किया जाएगा स्टील कुछ लेगा और सम पार्ट कंक्रीट शेयर करेगा ठीक है तो यहाँ पर टोटल लोड का वैल्यू हमको गिवन है कितना दिया हुआ है 875 किलो न्यूटन तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 875 इंटू टेन टू पावर थ्री न्यूटन लोड को कैसे निकालते हैं स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके क्रॉस एरिया से और प्लस सिग्मा सी इंटू टू पावर देखो ये जो स्ट्रेस डेवलपमेंट द स्टील है इसका हमको रिलेशन निकल कर आया था स्ट्रेस डेवलपमेंट द स्टील फिफ्टीन टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस डेवलप कॉन्क्रीट तो ये इस रिलेशन से हम वहां पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी और एरिया ऑफ द स्टील का जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं दू टू एट जीरो प्वाइंट सेवन नाइन प्लस सिग्मा सी को रहने दो इनटू एसी का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं फोर सिक्स एट जीरो सिक्स पॉइंट फाइव नाइन तो यहां से हमको क्या निकल के है एट सेवनटी फाइव इंटू टेन टू टू पावर थ्री इज इक्वल टू सी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय टू टू एट जीरो नाइन प्लस फोर सिक्स एट जीरो सिक्स पॉइंट फाइव नाइन तो यहां से हम डायरेक्ट सिग्मा सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं को सॉल्व करने पर सिग्मा सी का जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज 10.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और हम जानते हैं सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या है फिफ्टीन टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सो तुम्हारा ये जो स्ट्रेस जो हमको निकालना था कॉन्क्रीट और स्टील में तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन so here is your second question what it says a copper tube of 12 mm di internal diameter and 2 mm thickness is fitted on an aluminium rod of 12 mm diameter to act as a composite section if modulus of of the copper is 1.12 10 to the 5 newton per mm square

कॉपर ट्यूब में फिट किया हुआ है। कुछ इस तरीके से कॉपर ट्यूब में फिट किया हुआ है। ये जो तुम्हारा एल्यूमिनियम का रॉड है इसका डायमीटर हमको गिवन है दैट इज 12 एम mm. ओके okay? और यहां पर जो थिकनेस दिया है किसका कॉपर ट्यूब का दैट इज गिवन एज 2 एम mm. और यहां पर देखो ये जो एल्यूमिनियम का रॉड का जो डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर ऑफ द कॉपर ट्यूब है यहां लिखा भी है ये तो अगर हमको एक्सटर्नल डायमीटर अगर निकालना है फाइव एक्सटर्नल तो ये कैसे निकलेगा देखो ये तुम्हारा इंटरनल डायमीटर ट्वेल्व और यहां से थिकनेस दो और प्लस दो दैट इज सिक्सटीन एम एम इसका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया तो अब गिवन डेटा हम लिख लेते सबसे पहले देखो अगर हम इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब की बात कर रहे हैं कॉपर ट्यूब का तो वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा एल्यूमिनियम रॉड के डायमीटर का दैट इज ट्वेल्व एमएम और यहां से हमने एक्सटर्नल डायमीटर अभी अभी कैलकुलेट किया है ट्यूब का दैट इज सिक्सटीन एम ओके और डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम रॉड हमको गिवन है ट्वेल्व एम एम और क्या दिया है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर ये कितना दिया है

10 1000 डेवलप इन बोथ मटेरियल्स यानी कि जो स्ट्रेस कॉपर ट्यूब में डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है और जो स्ट्रेस तुम्हारे एल्यूमिनियम रॉड में जो डेवलप हो रहा है वो भी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं ये एल्यूमिनियम रॉड का भी और कॉपर ट्यूब का भी तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4 एल्युमिनियम रॉड का डायमीटर का स्क्वायर डेट इज पाई बाय 4 डायमीटर कितना दिया था 12 एमएम mm. तो 12 का स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 113.09 एमएम स्क्वायर सो ठीक है एरिया ऑफ द कॉपर ट्यूब हमको निकालना तो क्या करेंगे देखो ये एक्सटर्नल डायमीटर में से इंटरनल डायमीटर को डिडक्ट कर देंगे तो ये तुम्हारा कॉपर कॉपर ट्यूब का तुम्हारा क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा तो पाई बाय फोर फाइव एक्सटर्नल इज ऑफ द एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस पाई बाय इंटू फाइव इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर सॉल्व करो पाई बाय फोर कॉमन कर लेते हैं एक्सटर्नल हम निकाल के लाए थे सोलह का स्क्वायर और माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी एट्टी सेवन पॉइंट तो यहां से हमको एल्यूमिनियम का एरिया भी निकाल लिया कॉपर का एरिया भी निकाल लिया अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तुम्हारा एल्यूमिनियम रॉड है और कॉपर ट्यूब है उसका लेंथ सेम है तो डिफॉर्मेशन तो सेम होगा और साथ साथ में स्ट्रेन भी सेम होगा तो हम यहां से लिखेंगे स्ट्रेन डेवलप इन कॉपर ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेन डेवलप इन एल्यूमिनियम रॉड ओके वी कैन राइट इट लाइक दिस और फर्दर क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर ट्यूब अपॉन मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर ट्यूब इज इक्वल टू स्टैंड सॉरी स्ट्रेस डेवलप इन द एल्यूमिनियम रॉड एंड द मॉडलॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एलुमिनियम तो यहां से स्ट्रेस इन दोनों स्ट्रेस के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे तो ई सी यू अपॉन एल्यूमिनियमलॉस स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम देखो इन दोनों का वैल्यू पुटअप करेंगे इन दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक का दिया था तुम्हारा टू पावर इसका मैंने कन्वर्ट किया था जीरो पॉइंट सेवन इंटू टेन टू टू पावर फाइव इंटू एल्यूमिन का स्ट्रेस ये दोनों वैल्यू कट जाएगा इसको सॉल्व करने पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल कर आएगा दैट इज वन पॉइंट सिक्स टाइम ऑफ द स्ट्रेस डेवलप इन द एल्यूमिनियम तुम्हारा यहाँ पर दोनों स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशन निकल गया एक और रिलेशन हम जानते हैं टोटल लोड इज इक्वल टू क्या होता है लोड शेयर्ड बाय कॉपर ट्यूब और प्लस लोड शेयर्ड बाय शेयरियम रॉड यानी सम लोड तुम्हारा कॉपर ट्यूब कैरी करेगा और सम लोड तुम्हारा एल्यूमिनियम रॉड कैरी करेगा तो टोटल लोड का वैल्यू कितना किया अपने तुम्हारा फोर्टी किलो न्यूटन दिया था इसको हम लिख सकते हैं फोर्टी इंटू टेन पावर थ्री इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया प्लस स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड इन दोनों के बीच में देखो ये क्या है कॉपर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्रॉस एरिया एटी सेवन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस इसको एल्यूमिनियम दो इसकी एरिया जो हम कैलकुलेट किए थे वो था वन वन थ्री पॉइंट जीरो नाइन तो यहां से देखो फोर्टी इंटू टेन टू टी पावर थ्री हम सी को कॉमन कर लेते हैं सॉरी एल्यूमिनियम को कॉमन कर लेते हैं तो यहां से वैल्यू आएगा प्लस वन वन थ्री पॉइंट जीरो नाइन तो यहां से तुम्हारा स्ट्रेस डेवलप इन द एलुमिनियम रॉड इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा वन फाइव सेवन पॉइंट फाइव एट न्यूटन पर एम स्क्वायर और जो स्ट्रेस डेवलप होगा तुम्हारा कॉपर ट्यूब में इसका 1.6 टाइम होगा तो 1.6 से सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 157.58 से तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा 252.14 न्यूटन पर एम so, स्क्वायर सो यहां से हमने दोनों में जो डेवलप हुआ स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन व्हाट इट सेज अ होलो स्टील ट्यूब सेक्शन हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर 200 हंड्रेड एम एम

ये क्या है तुम्हारा स्टील ट्यूब है और ये होलो है यहां पे यहाँ पर क्या फील है तुम्हारा कंक्रीट फील्ड यहां पर कंक्रीट फिल है तो और ये क्या बता रहा है इसका जो थिकनेस है ये ट्यूब का होलो ट्यूब का थिकनेस कितना गिवन है फिफ्टीन एम और क्या दिया हुआ है तुम्हारा ये डायमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ दैट होलो ट्यूब इट इज गिवन एज सॉरी ये नहीं किया और तुमको एक्सटर्नल डायमीटर दिया तो एक्सटर्नल डायमीटर तुम्हारा कितना दिया है 200 हंड्रेड mm. एम हम इंटरनल डायमीटर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि थिकनेस गिवन है तो हम अगर एक्सटर्नल डायमीटर यहां से यहां तक इसका एक्सटर्नल डायमीटर तुमको गिवन है डेट इज एक्सटर्नल डायमीटर हमको इंटरनल निक, डायमीटर निकालना तो क्या करेंगे इसका थिकनेस को यहां तो से मल्टीपल माइनस करेंगे डिडक्ट करेंगे वी कैन कैलकुलेट इज तो यहां से तुम्हारा इंटरनल डायमीटर निकल कर आ गया 170 सेवेंटी mm. अब यहां पे ध्यान दो कि जो इंटरनल डायमीटर है वही तुम्हारा जो कॉन्क्रीट जो इम्बेडेड है उसका डायमीटर है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है देखो एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ था किसका ये हॉलो ट्यूब का तो ये है तुमको 200 हंड्रेड mm. मैंने इंटरनल डायमीटर का कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम थिकनेस ऑफ द होलो ट्यूब तो ये तुम्हारा निकल का तो यहाँ पर अगर हम डायमी वाला सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो ट्यूब डेट इज वन सेवेंटी एम एम और क्या दिया है मोडलर रेशियो दिया है डेट इज ई एस अपन ए सी का रेशियो दिया है एटीन और हमको यहां पर दिया है देखो पर दिया परमिसेबल स्ट्रेस इन द स्टील इज नॉट इज़ नॉट टू एक्सीड वन थर्टी पर, यानि कि यहाँ पर हमको स्ट्रेस डेवलप इन स्टील का वैल्यू दिया है टू तो फाइंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम यानी कि हमको पी टोटल निकालने के लिए कह रहा है कि ये कितना लोड को कैरी कर सकता है ये कॉलम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सेक्शन एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट कितना हो जाएगा तुम्हारा पाए बायर इंटू डायमीटर का स्क्वायर किसका कॉन्क्रीट वाला डायमीटर डायमीटर जो कि इंटरनल ऑफ द डायमी ट्यूब के बराबर था, था।, था तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं पाई बाय फोर इंटू वैल्यू कितनी निकल कर आई थी वन थर्टी तो वन थर्टी का स्क्वायर इसका सॉल्व करने पर हमको वैल्यू आएगा टू टू सिक्स नाइन एट एम एम स्क्वायर अब हम हॉलो ट्यूब जो स्टील हॉलो ट्यूब है उसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया का तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव बाई फोर फाइव एक्सटर्नल एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर इंटू इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर तो फाइव बाई फोर हम कॉमन करके टू तो हंड्रेड स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर का करेगा अच्छा सॉरी यहां पर वन सेवेंटी का स्क्वायर होगा तो वन सेवेंटी का स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगा तुम्हारा एट सेवन वन सेवन पॉइंट नाइन वन तो हम दोनों का एरिया कैलकुलेट कर ओके और यहाँ पर जो तुम्हारा ट्यूब और कंक्रीट है दोनों सेम लेंथ का है तो सबसे पहले इसमें जो डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा जो कि स्टेल में डिफॉर्मेशन होगा वही तुम्हारा कंक्रीट में भी डिफॉर्मेशन होगा लेंथ सेम होने की वजह से तो इसमें स्ट्रेन इस डेवलप होगा वो भी सेम होगा यानी कि स्ट्रेन डेवलप इन द स्टील ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेन डेवलप इन द कॉन्क्रीट यहां से हम जानते हैं हैं एक रिलेशन सिग्मा एस एस अपॉन ई लिख सकते इसको सिग्मा सी अपॉन ई सी लिखा जा सकता है यहां से सिग्मा एस यानी कि स्टील वाला को हम इधर रहने देते हैं ई एस अपन ई सी टू सिग्मा सी यहाँ पे देखो सिग्मा एस इज इक्वल टू ईस का वैल्यू हमको गिवन है वो कितना दिया है यहां से देख लेते हैं ये एटीन हमको गिवन है तो एटीन टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी ये रिलेशन है और साथ में हमको सिग्मा एस का वैल्यू दिया है तो सिग्मा सी का वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे सिग्मा एस अपॉन सॉरी एस अपॉन एटीन से तो सिग्मा एस का वैल्यू हमको कितना दिया है वन थर्टी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो वन थर्टी अपॉन एटीन तो यहां से हम सिग्मा सी का वैल्यू निकाल कर लाएंगे न्यूटन पर और सिग्मा एस का हमको दिया है 130 न्यूटन पर देखो अब हमको टोटल लोड निकालना है लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या हो जाएगा टोटल लोड कैरी कर सकता है तो क्या हो आ, लोड होलो स्टील प्लस लोड शेयर बाय कॉन्क्रीट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एस एस इसको ऐसा लिखा जा सकता है सिग्मा सी इंटू ए सी हमने सिग्मा एस यानी कि स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील ये हमको गिवन है 130 न्यूटन है, तो वन थर्टी इंटू एरिया ऑफ द स्टील एट सेवन वन सेवन पॉइंट नाइन वन तो हम ये लिख सकते हैं एट सेवन वन सेवन पॉइंट नाइन वन और प्लस जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था वो कैलकुलेट किए थे सेवन पॉइंट टू टू तो ये हो जाएगा तुम्हारा तो सेवन पॉइंट टू टू इंटू एरिया ऑफ द कंक्रीट एगा टू टू सिक्स नाइन एट एम एम स्क्वायर टू टू सिक्स नाइन एट एम एम स्क्वायर तो यहाँ से तुम्हारा पी टोटल का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा डेट वन टू नाइन सेवन टू जीरो सेवन पॉइंट एट सिक्स न्यूटन इसको हम किलो नीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी वन टू नाइन पॉइंट सॉरी वन टू नाइन सेवन पॉइंट टू जीरो सेवन किलो न्यूटन

डेटा साइज ऑफ कॉलम दिया हुआ है यानी कि कॉलम साइज तुमको कितना दिया है 300 हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड एम एम ओके और क्या दिया है द एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट इज थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन द एरिया ऑफ द स्टील यानी कि एरिया ऑफ कॉन्क्रीट और एरिया ऑफ द स्टील में रिलेशन दिया है यानी थर्टी फाइव टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्टील है चार से पहले कॉन्क्रीट एरिया ज्यादा होता है कॉलम में और क्या दिया है स्ट्रेस के भी रिलेशन दिया ये दिया है तुम्हारा सिग्मा एस इस थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन देट ऑफ द कॉन्क्रीट ठीक है निकालना क्या है टू फाइंड स्ट्रेस डेवलप इन स्टील और स्ट्रेस डेवलप इन कॉन्क्रीट ये दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां से देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे एरिया को हम कैल्कुलेट करेंगे क्योंकि एरिया का एक रिलेशन दिया है और हमको टोटल एरिया पता है देखो इसको हम देख सकते हैं टोटल एरिया डिट इज एग्रीगेट एरिया इज इक्वल टू कॉन्क्रीट का एरिया और प्लस स्टील का एरिया टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे डायमेंशन गिवन है स्क्वायर है थ्री हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड से निकाल लेंगे और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया है उसे हम निकालेंगे तो ए सी का वैल्यू हम एस के टर्म में पुट कर लेते हैं यानी ये हो जाएगा तो तुम्हारा थर्टी फाइव टाइम ऑफ द एस प्लस ए एस तो ये देखो ये हो जाएगा नाइन जीरो 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 सिक्स एस तो यहां से तुम्हारा एस का जो वैल्यू निकल कर आएगा नाइन डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स इसको सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हारा ए एस का जो वैल्यू निकल कर आएगा दट इज डबल जीरो सिंपल सॉल्व किए हैं और यहां से देखो ये रिलेशन से हम यहां से एसी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं डेट इज थर्टी फाइव टाइम्स ऑफ द एस तो उसको थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगा तुम्हारा एट सेवन फाइव डबल जीरो एम एम स्क्वायर तो यहां से मैंने एरिया ऑफ द स्टील भी कैलकुलेट कर लिया और एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट रिलेशन से हमने कैलकुलेट कर लिया हमको कैलकुलेट करना है क्या स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड कॉन्क्रीट रिस्पेक्टिवली तो एक रिलेशन हमको पता है पी इज इक्वल टू यानी टोटल लोड इज इक्वल टू लोड एड बाय स्टील प्लस लोड सेड बाय कॉन्क्रीट टोटल लोड हमको दिया हुआ है नाइन वन जीरो किलोमीटर तो हम इसको लिख सकते हैं नाइन वन जीरो इंटू टेन टू टू पावर थ्री और इसका रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं एस एस, है यहाँ तक यहाँ पर देखो नाइन वन जीरो इंटू टेन टू टू पॉवर थ्री इज इक्वल टू देखो सिग्मा एस तुम्हारा कितना वैल्यू दिया था यहां देखो क्वेश्चन पे गिवन था तुम्हारा सिग्मा एस तुम्हारा थर्टी फाइव टाइम्स होता सिग्मा सी है तो यहां से लिख सकते हैं हम थर्टी फाइव इंटू सिग्मा सी और एस का जो वैल्यू कैलकुलेट करके हम लाए थे टू फाइव डबल जीरो टू फाइव डबल जीरो प्लस सिग्मा सी रहने देते हैं इंटू ए का वैल्यू भी कैलकुलेट किया था एट सेवन फाइव डबल जीरो तो ये हो जाएगा एट सेवन फाइव डबल जीरो नाइन वन जीरो इंटू टेन टू फाइव थ्री सिग्मा सी यहाँ से कॉमन कर लेते हैं थर्टी फाइव इंटू टू फाइव डबल जीरो प्लस एट सेवन फाइव डबल जीरो तो यहां से हमको सिग्मा सी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर सिग्मा सी का जो वैल्यू निकल कर आएगा दट इज फाइव पॉइंट टू न्यूटन पर एम स्क्वायर और सिग्मा एस कितना हो जाएगा दैट इज थर्टी फाइव टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी तो इसमें थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वन एट टू यानी वन एटी टू न्यूटन पर एम स्क्वायर सो दिस इज द स्ट्रेसेस विच इज डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली

तो सबसे पर यहाँ पे देखो सर्कुलर कॉलम दिया हुआ, ठीक है? और इसमें सिक्स नंबर ऑफ़ बार्स इम्पैक्टेड है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसका जो डायमीटर दिया है कॉलम का, डेट इज गिवन, 300 मिमी। mm. और बार्स कितने हैं? सिक्स हैं। कितने मिमी mm डायमीटर इसका? 21 मिमी डायमीटर है, ठीक है चलो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा और डायमीटर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 300 हंड्रेड एम एम नंबर ऑफ बार्स इम्बेडेड नंबर ऑफ बार्स कितना दिया सिक्स एंड डाया ऑफ बार कितना दिया है डाया ऑफ बार बी तुम्हारा दिया है ओके okay? और यहां पर एक और दिया है तुम्हारा टोटल लोड जो है वो भी गिवन है पी दिया पी के टर्म में दिया है और क्या दिया है सिग्मा एस इज इक्वल टू थर्टी टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी एक रिलेशन ये भी दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है फाइंड क्या करना है टू फाइंड हमको निकालना है कि लोड शेयरिंग का वैल्यू निकालना है लेकिन परसेंटेज के केस में यानी कि पी यानी कि अगर हम बात करें तुम्हारा कंक्रीट का तो कितना परसेंट ऑफ टोटल लोड पी के बराबर है और उसी तरीके से स्टील कितना लोड परसेंटेज ऑफ शेयर कर रहा है टोटल लोड का ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो एरिया ऑफ द स्टील हम इजिली निकाल सकते हैं Area, uh, एक बार का एरिया uh, निकाले थे पाइव बाई फोर इंटू फाइव बी स्क्र ये एक बार का एरिया है इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ द स्टेट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बायर इंटू में में है ट्वेल्व का स्क्वायर इंटू सिक्स इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी सिक्स सेवेंटी एट पॉइंट फाइव एट एम एम स्क्वायर अब यहां से देखो हम कॉन्क्रीट का एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे देखो ये तुम्हारा एग्रीगेट एरिया यानी टोटल कॉलम का एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ द स्टील को डिडक्ट कर देंगे तो मेरा कॉन्क्रीट वाला एरिया निकल जाएगा तो वही लिखेंगे ए जी यानी एग्रीगेट एरिया माइनस एस एरिया ऑफ द स्टील तो एग्रीगेट एरिया पाई बाय कॉलम का का डायमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्टील तो यहां से देखो वैल्यू पुट अप करें पाई बाय फोर इंटू कॉलम का डायमीटर कितना दिया है थ्री हंड्रेड एमएम तो थ्री हंड्रेड एमएम का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्टील हम कैलकुलेट करके लाए सिक्स सेवन एट पॉइंट

यहां से देखो पी रहने दो सिग्मा एस सिग्मा एस और सिग्मा सी का रिलेशन है सिग्मा एस इज इक्वल टू थर्टी टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी तो यहाँ पुट करेंगे थर्टी टाइम्स ऑफ द सिग्मा सी इंटू ए एस एरिया ऑफ द स्टील हम निकाले सॉरी एरिया ऑफ द स्टील तुम्हारा निकाले हैं सिक्स सेवेंटी एट पॉइंट फाइव प्लस सिग्मा सी रहने दो ए हम कैलकुलेट किए हैं सेवन ट्रिपल इसको सॉल्व करते हैं तो P इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन कर लेते हैं थर्टी टाइम्स ओद सिक्स सेवेंटी एट पॉइंट फाइव एट्लस ट्रिपल जीरो सेवन पॉइंट टू फाइव तो यहां से देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो सिग्मा सी इंटू नाइन जीरो थ्री सिक्स फोर पॉइंट सिक्स फाइव आता है ठीक है पी का वैल्यू इतना आया ओके

ऐसे का वैल्यू आया था सेवन ट्रिपल जीरो सेवन पॉइंट टू फाइव इसको लिखते हैं सेवन ट्रिपल जीरो सेवन पॉइंट टू फाइव इन नाइन जीरो से अगर हम सॉल्व करेंगे तो पी इज इक्वल टू तो निकल कर आएगा वन पॉइंट टू नाइन जीरो सेवन पी सी ठीक है अब यहां पर हम पीसी को ले आते हैं और ये इस पर डिवाइड हो जाएगा यानी पीसी इज इक्वल टू तो हो जाएगा तुम्हारा वन अंट वन पॉइंट टू नाइन जीरो सेवन टाइम्स ऑफ द पी यानी पीसी इज इक्वल टू तुम्हारा कैलकुलेट होकर आएगा जीरो पॉइंट सेवन सेवन फोर सेवन इंटू पी यानी पीसी तुम्हारा जीरो पॉइंट सेवन सेवन फोर सेवन टाइम्स ऑफ द टोटल लोड पी है तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो सौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सौ से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा सॉरी पीसी इज इक्वल टू आ जाएगा सेवन सेवन पॉइंट फोर सेवन परसेंटेज ऑफ पी यानी कॉन्क्रीट तुम्हारा कितना लोड से कर रहा टोटल लोड पी का सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर सेवन परसेंट तो अगर हम बात करें तुम्हारा अब स्टील कितना लोड शेयर करेगा तो इसमें पहले टोटल लोड तुम्हारा हंड्रेड है और उसमें से इतना शेयर को हंड्रेड में से इतना परसेंटेज पार्ट को डिडक्ट कर देंगे तो तुम्हारा स्टील इतना लोड शेयर करेगा तो हंड्रेड माइनस सेवेंटी फोर सेवन तो यहां से पी का जो निकल कर आएगा परसेंटेज शेयरिंग 22.52 परसेंटेज ऑफ पी ठीक है तो यहां से तुम्हारा पीसी वाला वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल लोड पी और पी एस वाला बेलू यानी कर रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट क्वेश्चन इज हैं फ्रॉम थ्री वायरस ऑफ इक्वल लेन द फिगर तुम्हारा फिगर दिया है. ये जो मिडल वाला वायर है वो तुम्हारे स्टील का है एंड द अदर टू वायर्स आर ऑफ कॉपर ये दोनों कॉपर के है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच वायर थ्री हंड्रेड एम एम स्क्वायर यानी तीनों का ये दोनों कॉपर वायर का और स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया थ्री हंड्रेड एमएमएस कर दिया हुआ है क्या निकालना है कैलकुलेट लोड शेयर बाय ईच वायर यानी कि कॉपर और स्टील के वायर कितने लोड शेयर कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है यहां पे देखो ई एस यानी मॉडल इलेक्ट्रिस की वैल्यू दी है टू हंड्रेड टेन गीगा गीगा पास कर और ईसी का वैल्यू वन ट्वेंटी गीगा पास कर दिया है तो e सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गिवन गिवन लोड डेटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है टोटल लोड हमको दिया है फिफ्टी किलोनीटन का यानी कि हम उसको लिख सकते हैं फिफ्टी इन टू टेन टू टू पावर थ्री न्यूटन क्लियर है और हमको कितना दिया है नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पर थ्री दिया हुआ है और यहाँ पर हमको ईच वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है यानी क्रॉस क्रॉस एरिया एरिया ऑफ द कॉपर वायर सेक्शनल स्टील वायर सेम दिया है थ्री हंड्रेड एमएम स्क्वायर का दिया हुआ और तीनों का जो लेंथ है वो भी सेम है और क्या दिया है ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है यानी कि ई एस यानी कि ऑफ स्टील कितना दिया है तुम्हारा टू हंड्रेड टेन गीगा टू हंड्रेड टेन गीगा मतलब टेन टू टू पावर नाइन ये हो गया पासकल अब यहां पर देखो तो वन मेगा पासकल इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा वन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है यानी कि वन मेगा को हम क्या लिख सकते हैं टेन टू टू पावर थ्री पासकल इज इक्वल टू तुम्हारा वन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है तो यहां से देखो टू हंड्रेड टेन सॉरी टेन टू पावर सिक्स पास करता है और फर्दर सॉल्व करते हैं टू हंड्रेड टेन इंटू टेन टू पावर थ्री देखो टेन टू टू पावर सिक्स पास टू इज न्यूटन स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर में यानी कि टू हंड्रेड टेन गया पास करेड टेन इंटू ट्वेंट थ्री न्यूटन स्क्वायर सिमिलरली तुम्हारा ईसी का वैल्यू यानी कॉपर वायर का टु टु थ्री न्यूटन पर है। क्लियर है? निकालने के लिए बोल रहे हैं लोड सेड ईच वायर टू फाइंड कॉपर का कॉपर कितना लोड शेयर कर रहा है कॉपर वायर और स्टील वायर तुम्हारा कितना लोड शेयर कर रहा है ये दोनों वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है देखो ये क्या तीनों जो और, आ, वायर्स हैं इनका लेंथ सेम है तो इस लोड की वजह से इसमें क्या है इलोंगेशन होगा तो ये तीनों में इलोंगेशन सेम होगा तो इलोंगेशन सेम होगा और लेंथ भी सेम है तो तीनों में स्ट्रेंथ भी सेम होगा तो हम पहले इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं देखो स्ट्रेंथ डेवलप इन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डेवलप इन स्टील वायर वी कैन राइट इट लाइक दिस अब यहां से देखो फर्दर सिग्मा सी सिकमा इज कॉपर वायर का स्ट्रेस डेवलप जो हुआ है और ई सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सॉरी ई एस अपॉन दोनों में रिलेशन हम स्टेबलिश करते हैं तो सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ई एस अपॉन ई सी इन सिग्मा सी सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन ईसी का जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं तो ई एस का वैल्यू जो हम निकाले थे कितना था टू

सिग्मा सी ये कॉपर वाला तो इसका ये एक रिलेशन यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया ये एक रिलेशन है ठीक है अब यहाँ पे देखो टोटल लोड पी शेड बाय स्टील वायर और प्लस कॉपर वायर यहाँ पे दो कॉपर वायर है तो दोनों कॉपर वायर तुम्हारा लोड को शेयर करेगा और दोनों का लेंथ सेम है मटेरियल सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे

सिग्मा एस का वैल्यू हम कॉपर के केस में लिया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा तो और एरिया ऑफ द स्टील हमने कैलकुलेट किया है सॉरी वो दिया हुआ है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सब दिया हुआ हंड्रेड तो इंटू वो जाएगा तुम्हारा तो थ्री हंड्रेड प्लस टू इंटू सिग्मा सीयू रहने दो इसको कैलकुलेट करना है और इसका भी थ्री हंड्रेड तो यहां से देखो फिफ्टी इंटू टेन टू डि थ्री सिग्मा सीयू को हम कॉमन कर, कर लेते हैं इंटू थ्री हंड्रेड प्लस टू इंटू थ्री हंड्रेड क्लियर है अब यहां से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं तो सिग्मा का वैल्यू हमको निकल कर आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं सिग्मा सीयू का जो वैल्यू हमको निकल कर आएगा दैट इज 44.44 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका क्लियर हो गया अब हम यहाँ से सिग्मा एस का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा एस इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन टाइम्स ऑफ द कॉपर में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है दैट इज फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर इसको सॉल्व करेंगे आएगा तुम्हारा सेवनटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन न्यूटन पर एम स्क्वायर ये तो तुम्हारा स्ट्रेच डेवलपमेंट द कॉपर वायर हुआ और स्ट्रेच डेवलपमेंट द स्टील वायर हुआ लेकिन हमको लोड शेयरिंग निकालना है ठीक है हम लोड शेयरिंग कैसे निकालेंगे लोड शेयर बाय स्टील वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस किस एरिया से तो स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसको स्टील इस के क्रॉस क्रॉसेक् एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको लोड शेयरिंग ऑफ द स्टील वायर निकल जाएगा तो स्टील में कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ है? जो हमने कैलकुलेट किया था सेवन सेवन पॉइंट सेवन सेवन न्यूटन पर एम स्क्वायर और एरिया ऑफ द स्टील हमको थ्री हंड्रेड दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू आएगी तो सॉल्व कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आएगा तुम्हारा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री किलोन्यूटर ठीक है और उसके बाद अगर हम कॉपर का निकालें तो एक कॉपर का पैर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस डेवलपिंग द वन कॉपर वायर इन टू क्रोसेस मीटर द कॉपर वायर तो एक कॉपर वायर में कितना तुम्हारा जनरेट हुआ था स्ट्रेस उसकी वैल्यू थी तुम्हारी फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर इसको थ्री हंड्रेड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा तुम्हारा तो इसका वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा वन थ्री 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 टू न्यूटन तो इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये होगा तुम्हारा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री किलो न्यूटन लेकिन ये तुम्हारे एक कॉपर वायर में निकल कर आया तो दोनों कॉपर यानी कि लोड सेड बाय टू कॉपर वायर अगर हम लिखना चाहें लोड सेड बाय टू कॉपर वायर तो कितना हो जाएगा टू सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू कैलकुलेट करिए तुम्हारा सिंगल कॉपर वायर के लिए तुम्हारा डबल जो कॉपर वायर है कंबाइंड फॉर्म में उसके लिए निकाला और मैंने स्टील के लिए भी निकाल लिया सो हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज द्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर

तुम्हारा ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है या पचास न्यूटन का वेट लग रहा है इसका मतलब क्या है इसमें कॉम्प्रेशन आ रहा है इसमें क्या होगा कॉम्प्रेसिव फोर्स लगने की वजह से इसमें क्या रहा आ रहा है कॉम्प्रेशन आ रहा है इसमें चेंज इन लेंथ होगा तीनों में चेंज इन लेंथ सेम होगा जैसे कि मैंने अभी इस चैप्टर के पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि तीनों में तुम्हारा तो तो क्या होगा चेंज इन लेंथ सेम होगा लेकिन इन दोनों बार के अगर हम बात करें इसमें चेंज इन लेंथ तो सेम होगा लेकिन स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा क्योंकि लेंथ डिफर है लेकिन इन दोनों में स्ट्रेंथ सेम होगा सेम मटेरियल का है और सेम लेंथ भी है चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं गिवन डेटा लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या दिया वो पहले लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड दिया तुम्हारा कितना दिया है टेन mm. और डायमीटर ऑफ स्टील रॉड दिया है वो कितना दिया तुम्हारा सिक्सटीन एम mm का दिया है और क्या दिया तुम्हारा लेंथ ऑफ ब्रास रॉड दिया हुआ देखो ये तुम्हारा टू हंड्रेड mm का गिवन है लेंथ ऑफ स्टील रॉड तुम्हारा कितना गिवन है ये देखो 300 हंड्रेड एम एम है क्लियर हुआ और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी तुमको दिया हुआ है ये है टू इंटू ट्वेंटी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रास मटेरियल कितना दिया है वन इंटू टेंटर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्लियर है अब हमको यहां पर क्या निकालना है टू फाइंड स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील रॉड ये क्या है होगा और स्टेल स्ट्रेस डेवलप इन द ब्रास रॉड ये कितना डेवलप होगा ये सब हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले अपने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं तो अगर हम ब्रास वाले रॉड का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करें तो क्या हो जाएगा पाई बाय फोर इंटू ब्रास रॉड का जो डायमीटर उसका स्क्वायर पाई बाय फोर इंटू ब्रास रॉड का डायमीटर कितना दिया तो में, में है तुम्हारा टेन स्क्वायर का टेन का स्क्वायर हो जाएगा इसको सोल्व करने पर इसका जो वैल्यू आएगी वो होगा तुम्हारा सेवेंटी एट पॉइंट फाइव थ्री एम एम स्क्वासी तरीके से हम स्टील रॉड का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करें तो फाइव बाई फोर इन किसका डायमीटर स्टील का डायमीटर का स्क्वायर ठीक है वैल्यू पुट अप करते हैं फाइव बाई फोर इंटू डायमी कितना दिया हुआ था इसका जो डायमीटर है वो देख लेते हैं स्टील का डायमीटर सिक्सटीन दिया हुआ था तो सिक्सटीन का स्क्वायर तो सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू आएगा तुम्हारा 201.06 mm2 क्लियर हुआ अब यहां पर देखो इन दोनों के अगर हम कंपेयर करें हालांकि तीनों में जो होगा तो डिफॉर्मेशन यानी कंप्रेशन आ रहा है वो तो सेम होगा इन दोनों पहले केस कंपेयर कर लेते हैं तो ब्रास और स्टील में क्या होगा तुम्हारा कंप्रेशन सेम होगा दैट इज स्टील के जो वाले जो रॉड में तुम्हारा चेंज इन लेंथ आया है वो तुम्हारा चेंज इन लेंथ ब्रास में जो आएगा वो तुम्हारा इक्वल होगा लेकिन दोनों में स्ट्रेन सेम नहीं होगा क्योंकि इनका लेंथ क्या डिफरेंट है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम जानते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेन इन टू ओरिजिनल तो यहां से हम वैल्यू के लिए लिखेंगे स्ट्रेन स्ट्रेन इस में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा स्ट्रेन डेवलप इन द स्टील रॉड इन टू ओरिजिनल द स्टील रॉड

अपॉन ई बी इंटू एल बी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा एल एस इन टू बी सब का वैल्यू पुट कर देते हैं एस अपॉन बी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो ई एस का वैल्यू हमको दिया था टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया था वन इंटू टेन टू रूपये एल बी यानी ब्रास का जो लेंथ है वो कितना था टू हंड्रेड एमएम और स्टील रोड का थ्री हंड्रेड एमएम और ये सिग्मा बी दैट इज ब्रास में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ

लेंथ भी बिसेम है तो हम दोनों क्या करेंगे एडप्ट कर देंगे और टोटल लोड पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है पचास किलो न्यूटन क्योंकि इसके ऊपर जो लोड लग रहा है कंप्रेसिव लोड पचास किलो न्यूटन का लग रहा है तो हो जाएगा तुम्हारा फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू बान स्टील के केस में लिख सकते हैं सिग्मा एस इंटू ए एस और इसको टू टाइम्स कर सकते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा ये ब्रास वाला है इंटू ए बी क्लियर हो गया अब देखो हम यहाँ से जानते हैं सिग्मा एस और सिग्मा बी के बीच में हमने रिलेशन निकाला सिग्मा एस और सिग्मा बी के बीच में कितना रिलेशन आयान पॉइंट हो जाएगा था सिग्मा बी और एरिया ऑफ द स्टील हम सॉरी एरिया ऑफ द स्टील रोड हमने कैल्कुलट किया था उसकी जो वैल्यू आई थी वो है टू जीरो ऑफ द ब्रास रोड वो सेवन एट पॉइंट थ्री तो तो यहां यहां तो यहां से 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 देखो ये तुम्हारा हो जाएगा भी कॉमन कर लेंगे into plus 2 into तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ब्रास में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा वो वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आएगा 119.49 वन नाइन पॉइंट फोर नाइन न्यूटन पर और स्ट्रेस में कितना जनरेट हो रहा है इसका 1.33 टाइम्स ऑफ द सिग्मा दिंग थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज न्यूटन पर एम स्क्वायर सो ये दोनों वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि स्ट्रेस डेवलप इन द ब्रास रोड एंड द स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील रोड द स्ट्रेस डेवलप इन द ब्रास रोड इज इक्वल टू वन वन नाइन पॉइंट फोर नाइन न्यूटन स्क्वायर एंड द स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील रॉड इट इज वन पॉइंट थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रास में डेवलप हुआ था तो वन फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री फॉर न्यूटन पर मेम्स का निकलकर आया सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई हैव सॉल्व हियर इन दिस क्लास सो वॉच इट थैंक यू